माहिरीन के मुताबिक दिमाग में रसौली की कोई खास वजूहत तो नहीं है, लेकिन सर में दर्द, कह आना, नज़र का कमज़ोर होना, हाथ पाँव में दर्द, बच्चों में चिड़चिड़ापन, रोना जैसी अलामत हों तो ऐसे अफराद में दिमागी रसौली हो सकती है। आम ट्रीटमेंट जो है वो एक या डेढ़ महीने में अगर आप लें और वो ये ना ठीक हों तो इसके लिए आपको स्पेशलिस्ट हज़रात, जिसमें न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट या मेडिकल से मुतालका हज़रात भी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान की 18 करोड़ आबादी के लिए दिमागी रसौली के इलाज के लिए सिर्फ 150 न्यूरोसर्जन हैं, जिनमें प्रोफेसर होते के सिर्फ 17 डॉक्टर मौजूद हैं। इस तरह 1 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए सिर्फ 1 न्यूरोसर्जन प्रोफेसर मौजूद है। दिमागी अमराज के लिए सरकारी और गैर सरकारी सिर्फ 20 इलाज गाहें हैं। माहिरीन का कहना है कि दिमागी रसौली के 5% मरीजों का इलाज ऑपरेशन से मुमकिन नहीं होता, जिनका कीमोथेरेपी और रेडिएशन के जरिए इलाज किया जाता है। दिमागी रसौली के इलाज की सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि न्यूरोसर्जन की तादाद में इजाफे के साथ साथ इलाज गाहों में भी इजाफा किया जाए। कैमरामैन इकबाल खान के साथ सलीम शेख, दुनिया न्यूज़, लाहौर।